मध्य प्रदेश के दमोह के देहात थाना क्षेत्र के समन्ना गांव के आगे बांदकपुर रोड पर एक भीषण हादसा हो गया। एक ट्रक चालक ने आगे जा रहे ऑटो को चल दिया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें इलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। वही बाकी लोग घायल है, अभी ऑटो ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर, एसपी शुद्ध कीर्ति सोमवंशी और अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, ताकि घायलों को तत्काल अस्पताल भेजकर इलाज कराया जा सके। जेसीबी और क्रेन मशीन भी बुलाई गई हैं, जिससे ट्रक को खींच कर पीछे किया जा रहा है, ताकि घायलों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि जो ऑटो में सवार लोग हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे। ये समन्ना के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक मालवाहक लोडर जो ट्रक है उसके नीचे एक ऑटो आ गया है। ऑटो में सवार 7 से 8 लोगों की संख्या है, जिनको अभी हमने हॉस्पिटल रेफर किया है। हमारे सामने हमने अभी कुछ लोगों को उसमें से निकाला है जो उसमें फंसे हुए थे। कुछ लोगों को पहले यहाँ के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे राहगीर, उन्होंने निकाल के हॉस्पिटल भिजवाया है। टोटल संख्या अभी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद कन्फर्म होगी कि उसमें कितने लोग हताहत हैं, कितने घायल हैं। हमारा प्रयास ये है कि अधिक से लोगों को उसमें बचाया जा सके, और SDRF की टीम यहाँ मौजूद है। ट्रक चालक जो है वो भी चोटिल है, उसको भी हॉस्पिटल हमने पहुँचा दिया है। अगला काम यह है कि हॉस्पिटल पहुँच के इनकी हालत देखी जाए और उनको वहाँ से रिफ़र करना है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस की उपलब्ध कराई जाए और उनको वहाँ पहुँचाया जाए। सर अभी डेथ कितनी है? संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल होगा, लेकिन 5 से 6 तो कन्फर्म बता रहे हैं सर लोग। अभी हम वो हॉस्पिटल जाके कन्फर्म कर पाएंगे। सर इनकी पहचान हुई है सर, कहाँ के हैं सर ये ऑटो चालक? नहीं, अभी तो कोई भी व्यक्ति बताने की हालत में नहीं है उसमें, कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। लोकल लोग भी उनको कोई पहचान नहीं पा रहे हैं कहाँ के हैं। जो उनके पास ये मोबाइल बरामद हुए हैं, उनके परिजनों को हम लोग फ़ोन करके पता कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम क्लियर कर लेंगे कहाँ के रहने वाले हैं। अभी इस संबंध में कुछ पता नहीं है, चालक का मेडिकल होगा तो क्लियर हो पाएगा। प्रारंभिक रूप से मैं कुमारी में था, अभी रास्ते में आया। बड़ी दुखद घटना है और शब्द नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वो ऑटो उस हाईवा 14 या 16 चक्का होगा, तो मैं खुद देख के आया हूँ। और अभी 7 व्यक्ति जो शांत हो गए हैं, और तीन लोग जो हैं उनको एम्बुलेंस से और पूरा ग्रीन जो कॉरिडोर बनाते हैं पुलिस पायलट के साथ यहाँ से भेजा है। अभी कलेक्टर दमोह और कलेक्टर जबलपुर दोनों से कोऑर्डिनेट करा दिया गया, जिससे तत्काल जबलपुर जब पहुँचे तो मेडिकल कॉलेज में उनको तो तत्काल इलाज वहाँ पे मिल जाए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अधिक मात्रा में बैठ के जा रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें क्या मानते हैं आप इसकी गलती? ड्राइवर अभी पकड़ा गया, अभी SP से बात हुई है और उसका अभी टेस्ट कराते हैं। अगर वो शराब पिए हुए पाया जाता है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी जो कानूनन होती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे हमारे ड्राइवर जो गाड़ियाँ चालक हैं, जो बड़े चलाते हैं या छोटे चलाते हैं, कि नियंत्रित होकर संयमित होकर हम चलाएँ, क्योंकि 7 लोग जो मृत हो गए निश्चित ही किसी के परिवार के हैं। अब बहुत से लोग तो स्पॉट पर पहुँच नहीं पाए, पर जो स्पॉट पर वहाँ पहुँचा और वहाँ जा के जो अवशेष जो देखेंगे शरीर के लिए, तो वास्तव में हृदय घबरा जाएगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, और सभी से आग्रह है कि वाहन को जो है नियमित स्पीड से अपन चलाएं, क्योंकि सबके परिवार में किसी न किसी की कहीं ना कहीं जवाबदारी है अलग अलग लोगों। जरूरत से ज़्यादा सवारी ढोई जा रही है, इसमें प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी निश्चित ही इसमें भी मापदंड तय करेंगे, और ये देखेंगे अभी आज वर्तमान जो परिस्थिति, इसके बाद ये देखेंगे ऑटो चालक जो जबरन सवारी चला रहे हैं, भर रहे हैं बस वाले और ट्रक वाले, इन पे RTO के माध्यम से और SP के माध्यम से ये बैठक करके इसको निश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो विधिवत और सुचारू हो जाए पूरे ज़िले के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा उन लोगों के लिए, कि कई बार बहुत से लोग हम लोगों को फ़ोन लगाने लगते हैं कि जबलपुर नाका पर यहाँ वहाँ ट्रैफिक की जाँच चल रही है, ट्रैफिक पुलिस लगी है, तो इस प्रकार की घटनाएँ बच जाएँ, इस प्रकार के एक्सीडेंट बच जाए, इसलिए पुलिस सतर्कता से काम करती है। तो हम हेलमेट पहने और गाड़ी के कागज़ रखें और संयमित स्पीड से हम गाड़ी चलाएं, और जो भी चालान बढ़ता जुर्माना हम भरें, और पुलिस का सहयोग यदि करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें इलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक,
पिलेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251।